धनुष का पहला रंग है, भारत की संस्कृति की महान विरासत हमारी कुटुंब प्रथा, परिवार व्यवस्था। हजारों साल से इस परिवार व्यवस्था ने हमें बनाया है, बचाया है, बढ़ाया है। उस परिवार व्यवस्था को हम कैसे अधिक सशक्त बनाएं? हमारी नीतियां, हमारी योजना, भारत की इस महान व्यवस्था परिवार, उसका सशक्तिकरण कैसे करें? दूसरा रंग है इंद्रधनुष का, हमारी कृषि, हमारे पशु, हमारा गांव। और इसलिए नियत उनकी भलाई के लिए नीतियां बनाने की होनी चाहिए। वो हमारी तीसरा रंग है इंद्रधनुष का, वो हमारी भारत की नारी। उनकी शिक्षा दीक्षा, इस पर हमारा बल होना चाहिए। आर्थिक सामर्थ्य की वो धरोहर उसके पास हो, उस पर हमने बल देना चाहिए, उसकी सुरक्षा पर हमने ध्यान देना चाहिए। हमारे इस इंद्रधनुष का चौथा रंग है जल, जमीन, जंगल, जलवायु। अगर हमें भारत को आने वाली सदियों तक विकास की दौड़ में आगे रखना है, तो हमारे इंद्रधनुष के इस चौथे रंग को भी उसकी परवरिश करनी होगी, उसको सुरक्षित करना होगा, उसको आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ और अधिक बलवत्तर बनाना पड़ेगा। इसका पांचवा रंग है जो आज सबसे महत्वपूर्ण है, वो है हमारा युवा धन, हमारी युवा शक्ति। हम कितने भाग्यवान हैं कि आज हिंदुस्तान दुनिया का सबसे नौजवान देश है। अगर आज हमने तैयारियां कर ली होती तो दुनिया के वर्कफोर्स के लिए हमारा भारत का नौजवान न सिर्फ भारत का निर्माण करता, पूरे विश्व का निर्माण करने की ताकत रखता था। और हमारे युवा धन की रक्षा करके, उसी युवा धन की ताकत के भरोसे इस भारत को विश्वगुरु बनाने का सपना साकार करना। हमारे इस इंद्रधनुष का और एक रंग है, वो भी हमारी बड़ी अनमोल विरासत है, और वो है डेमोक्रेसी, हमारा लोकतंत्र। और जिस देश के पास डेमोग्राफिक डिविजन हो, डेमोक्रेटिक डिविजन हो, वो देश दुनिया के सामने कितनी बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ सकता है। हमने हमारे लोकतंत्र को रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम से लेकर के आगे बढ़ा करके पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी पर बल देने की जरूरत है। प्रतिनिधि वाला लोकतंत्र, उसको जनभागीदारी वाले लोकतंत्र की ओर हमें ले जाना है। भाइयों बहनों, हमें गर्व है हम गणतंत्र के परंपरा को निभाते हैं, लेकिन समय की मांग है कि अब सामान्य मानवी गणतंत्र में गुणतंत्र की भी अनुभूति करे। और इस इंद्रधनुष का सातवां रंग जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो है ज्ञान। मानव जात जब जब ज्ञान युग में रही है, भारत ने डंका बजाया है। हम ज्ञान के उपासक हैं। हर मां अपने बेटे को आशीर्वाद देती है तो क्या देती है? कहती है, बेटा पढ़ लिख करके बड़ा होना। हर मां के मुंह से ही निकलता है यह ज्ञान। हमारे इस इंद्रधनुष के सात रंग का महत्वपूर्ण रंग, उस ज्ञान को हम किस प्रकार से अधिक शक्तिशाली बनाएं, उसकी ओर हमें जाना है। भाइयों बहनों, इन सातों रंग की कीर्ति कैसे बढ़े, नई कल्पकता कैसे जुड़े, नए विचार कैसे उसके साथ आए, उसको लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं।